बोकारो जिला यादव समाज की ओर से एक अहम बैठक की गई। वरिष्ठ समाजसेवी सुगंध सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में यादव समाजी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में यादव समाज सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं पर इनकी तरफ से गहन विचार विमर्श किया गया। सामाजिक आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में समाज को और अधिक सशक्त करने का संकल्प यादव समाज की ओर से इस बैठक में लिया गया। तो वहीं साथ ही साथ ऐतिहासिक होली मिलन समारोह सब वनभोज आयोजित करने का भी निर्णय इस बैठक के माध्यम से बोकारो जिला यादव समाज की ओर से लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय पर बोलते हुए सुगंध सिंह यादव ने कहा कि अपने समाज के साथ साथ सभी समाज को हमें साथ लेकर चलना है। जिला यादव समाज के तरफ से एक बैठक बुलाए हैं। इस बैठक का उद्देश्य है होली मिलन समारोह सह वनभोज, लेकिन हम इस वनभोज और मिलन समारोह के माध्यम से पूरे बोकारो जिले में नहीं पूरे प्रदेश को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम यादव समाज तो अपना रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन पूरे यादव समाज को एकत्रित करके हम ये बताना चाहते हैं कि आप जहां भी रहते हो, आप अपने अगल बगल चाहे किसी भी जाति के लोग हों उनको मदद करें, उनको हर तरह का सहयोग करें, किसी तरह की दुर्भावना का व्यवहार किसी भी जाति से आपको नहीं करना है। आपका समाज गरीब लोगों का समाज, जो उपेक्षित लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ें, इसको हमें इस पर काम करना है। फोकस इसी पर रहेगा हमारे पूरे यादव समाज का। बोकारो यादव समाज हमारा सक्षम है। आज किसी भी परिस्थिति में जो लोग भी हैं पीड़ित हैं वो हमारे पास आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, चाहे नोनिया हो, धनिया हो, बनिया हो, मेरे पास आता है। इसलिए को समझता है कि यादवों के पास ताकत है, हमारी ताकत का इस्तेमाल तमाम लोग करते हैं। लेकिन आज से हम लोगों को यह शपथ लेना है कि यादव समाज जो उपेक्षित वर्ग है, जिसको कोई पूछता नहीं है, जिसको कोई मदद नहीं करता है, उसको हमको मदद करना है और आगे बढ़ाना है।